हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एमएसएससी नोट्स में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कुछ तबीयत खराब होने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ सके, लेकिन हम बहुत बड़ी खुशखबरी के लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और हालांकि आप लोग भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की वैकेंसी लगभग 60,000 पदों पर अगले माह से, जनवरी माह से शुरू होने वाली है। इसके जरिए एक बहुत अच्छा विज्ञापन जारी हुआ है, वो विज्ञापन हम आपको पूरा पूरा दिखाते हैं और खबर भी दिखाते हैं पूरा पेपर की, और नोटिस जो जारी हुआ मैं नोटिस भी दिखाने जा रहा हूं। उस नोटिस में क्या है ये भी दिखाने जा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बिल्कुल फेक नहीं है, आप फेक नोटिस से बचे। नॉर्मलाइजेशन का भी उसमें उल्लेख किया गया है, एक अच्छे तरीके से हम वीडियो को जानेंगे। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और आप लोग लग जाओ। लगातार आपकी कक्षाएं हिंदी की चल रही है, कल से आपकी कक्षाएं मैथ की शुरू हो जाएंगी, साइंस की कक्षा, जीएस जीके की कक्षाएं आपकी प्रॉपर ढंग से स्टार्ट हो गई हैं। आप ये देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आज ही एक आया है नोटिफिकेशन जिसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सब सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है, ठीक है ना। सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है, कितने पदों पर, 60,244 पदों पर। कितने पद है, 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। और इसको बोला गया है भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। मतलब मेरी बात सुन लो, विज्ञप्ति कब आ जाएगी, आपके दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। अगर थोड़ा मॉडल 2-4 दिन लेट हुआ तो अलग बात है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती कवायद बार बार टल रही थी। एज की क्या दिक्कत है, एज वाला भी हम आप लोगों को बताएं, एज में क्या छूट मिलने वाली है। 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा करने वाली संस्था का चयन लेकर, मतलब ये सारी सुविधाएं टेंडर वेंडर आपका क्या है पूरा कर लिया गया है। 15 लिखा है आवेदन के 15 दिन बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होती, ठीक है ना। इसमें अलग से भी कुछ दिया गया है, 1906 पदों पर अलग भर्ती है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, लिपिक की है, गोपनीय लिपिक है, ये सारी चीजें आपकी दिया गया है। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको एक नोटिस और दिखाता हूं, उसको दिखाने के बाद हम आपको एज वाले ही बताते हैं एज में क्या छूट होगी कि नहीं होगी, है ना। एज में छूट होने वाली है, जितनी भी चीजें हैं आपको पूरी अच्छी तरीके से हम एकदम बेहतरीन ढंग से। देखो ये आपका नोटिस जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है ना, पुलिस भर्ती पोर्नेट बोर्ड की तरफ से आया है। कल का नोटिस था, 18 तारीख का नोटिस था, इसमें क्या कहा गया है देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कराने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावली के आशय का प्रावधान किया गया है। 2 या 2 से अधिक पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद इन्होंने आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का प्रसमानीकरण, मतलब जिसे बोलते क्या है, नॉर्मलाइजेशन का निश्चय किया जाएगा, विनिश्चय किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग, जिसे बोलते हैं मल्टीसीट में परीक्षा आपकी कराएगा। ये चीज तो क्लियर होगी। और इसने कुछ मानक दे रखा है, देखो ये MIJ बराबर MJT-MJQ, ये कुछ मानक दे रखा है। ये मानक क्या है, आपके नॉर्मलाइजेशन में काम आएंगे। जैसे किसने दे रखा है ना, जैसे MIJ का मतलब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ जे, जैसे मान लो जे नाम का कैंडिडेट था, इसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जितने नंबर टोटल पाया था उसके आधार पर कुछ ये कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसमें सारे मानक, 4-5 मानक दे रखे हैं, उस हिसाब से इन्होंने अब की बार, पहले हमेशा तो नहीं करते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया है, पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि ये कैसे आपका क्या करना है, इनका नॉर्मलाइजेशन होगा। मेरे बच्चों बार बार आप जानते हो ना कि बार बार आप पूछ रहे थे सर क्या कैसे, हर एक चीज का आप पूछना चाह रहे थे, हम उसको ला रहे हैं। जब एज की जो बात आती है मेरे बच्चों, एज की बात सबसे बड़ी बात है, एज की, एज में छूट मिलेगी, ये तो कंफर्म नहीं है कितनी मिलेगी, लेकिन कम से कम 2 साल की छूट मिलेगी। कारण क्या है कि वैकेंसी 3 साल से नहीं आई है, और नियम यह है कि प्रतिवर्ष वैकेंसी दी जानी चाहिए। प्रतिवर्ष क्या होना चाहिए, वैकेंसी दिया जाना चाहिए, लेकिन आपका क्या है कि इस 3 साल क्या है, 4th साल है, वैकेंसी आपकी नहीं आई है, इसलिए कम से कम 2 साल से छूट मिलेगी एकदम। और नहीं तो होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। दूसरी चीज आपको इसमें जो पढ़ना है बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपका मैथ,
रीजनिंग है ना, मैथ रीजनिंग और हिंदी और आपका जीएसजी के जो आता है ना, जीएसजी के करंट अफेयर ये सब आते हैं। आपको सबसे ध्यान कहां देना है मैं बताता हूं, उसको आप लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते है ना। सबसे पहला ध्यान मैथ और कहां देना है हिंदी पे। अब बोले सर रीजनिंग कहां खा गए आप, रीजनिंग और जीएस, रीजनिंग और जीएस में खाया नहीं। अगर भाई मेरे मैथ कर लिए तो रीजनिंग आप बहुत अच्छे से कर, अगर आपको मैथ बहुत अच्छे से आती है तो रीजनिंग आप थोड़ा पढ़ोगे 50% अगर उस पे दोगे। हम ये नहीं कह रहे कि प्रॉपर उसको नहीं पढ़ना है, उसको 50% भी पढ़ोगे तो ये 100% के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर मैथ खूब अच्छे से आती है तब आपको। देन उसके बाद हिंदी को ही ध्यान देना है, ये आपका 40 में 40 इजी नंबर है। हिंदी आपकी मातृभाषा है ना, आपको क्या करना, हिंदी आपको आता भी है तो हिंदी में अगर 40-50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें पूरे के पूरे आपको क्या करना है, मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं। देन उसके बाद जीएसजी के बारी आती है, और जीएसजी के में अगर मान लो 40 क्वेश्चन पूछा गया, 40 में तुम 25 भी कर लेगे, और यहां पे तीनों में स्कोर बहुत बेहतरीन कर दिया आपने, 35-35-35 मान लो 40-40-40 पूछा गया, 35-35-35 तीनों में कर दिया, ऐसे सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा, कोई भी रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन तुम्हारा, ठीक है ना। बट ध्यान रहे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप यही पे ध्यान दो, मैथ और हिंदी पे ज्यादा ध्यान दो, रीजनिंग अपने आप होती चली जाएगी इसके सहारे, थोड़ा इसको भी ध्यान देते जाना, फिर जीके को डेली पढ़ते जाओ, अभी भी समय है लग जाओ, ध्यान दो। उसके बाद एज में छूट मिलेगी 2 साल की, ये जो नोटिस थी ये हमने दिखा दिया, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो कल लेके आएंगे, कल इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे और आपको क्या करेंगे दिखाएंगे, है ना। डिटेल्ड वीडियो में आप चीजें और अच्छे से जानेंगे, कितनी छूट मिल सकती, करेक्ट कितनी मिलेगी, क्या एज है, इतनी अगर जर्नल की एज इतनी है तो इस पे अगर 2 साल की छूट मिली तो कितनी हो जाएगी, ये सारी चीज हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आज हमें आपको यह नोटिस दिया जाना चाहिए था, ठीक है। क्लासें आपकी प्रॉपर रेगुलर लगातार चल रही है, आप क्लासों को टाइम टू टाइम करो, और अगर कोई जानकारी है तो हमारे नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर लिए गए हैं, टेलीग्राम लिंक एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां से आप क्या करो चीजों को क्लियर कर लो, कोई भी डाउट है आप कॉल करके तुरंत उस पर संपर्क करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।